अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो हमारी ये 500 वाट का UPS है। इसमें दोस्त ने कहा ये ट्रैकल कार्ड लगा के दे हमें, ये आप देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है F72, वो कार्ड देख सकते हैं। आज हम आपको कार्ड चेंज करना बताएंगे, आप घर में कैसे कार्ड चेंज कर सकते हैं, इसकी वीडियो है आज की हमारी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता जाऊंगा। अभी आपके सामने ही स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा आपने वो कार्ड किस तरह फिक्स करना है। ट्रैकल कार्ड मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें, ये इमरान एंड को का मैं ट्रैकल कार्ड लाया हूं। ये ट्रैकल कार्ड होता है स्टेप बाय स्टेप चार्जिंग वाला, ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने आ चुका है कार्ड। ये कार्ड इसमें हम फिक्स करके दिखाऊंगा आपको, और इसकी तारें कहाँ कहाँ लगनी है और क्या क्या करना है, आपने कैसे चेक करना है, वो सारा इस वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं ये कैमरा सेटअप करके आपके पास हाजिर होता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो तारें लगी हुई हैं, फिर मैं आपको, अगर आपको ना समझ आए तो आप एक एक करके निकालते जाना, जैसे कि ये एक तार निकाली फिर एक निकाली, एक एक करके आप फिक्स करते जाना उसमें, हमें तो पता होता है तो कौन सी तार कहाँ लगनी है। फिर भी आपको अगर ना समझ आए तो आप वीडियो बना लो, कौन सी तार कहाँ लगी हुई थी आपको याद रहेगा, तस्वीर ले लो फिर आपको याद रहेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा, ये सारी तारें खोल के ये बाहर कार्ड निकाल के मैं आपके पास हाजिर होता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारा कार्ड बाहर आ चुका है, ये देखें, ये हमारा ओल्ड वाला कार्ड है। इसमें स्टेप बाय स्टेप ट्रैकल चार्जिंग नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप चार्जिंग वाला सेटअप जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम पेयर सेटअप कर सकते हैं, कितने हम पेयर आप रख सकते हैं कितने नहीं, वो मैं आगे किट फिट करूंगा, वो उसमें आपको बता दूंगा। ये देखिए, अब ये हमारी किट बाहर निकल आ चुकी है, अब हम इसमें वो किट मैं इसके अंदर ये फिक्स करके इसके अंदर लगा के और फिर आपको स्टेप बाई स्टेप उसमें तारें कैसे लगानी है वो बताऊँगा, ठीक है। इसको फिक्स करने से पहले आपने ये देखें, इसके बैक साइड पे इसकी स्विच की वायरिंग की तार की, इसकी जो तार लगती है स्विच की, इसकी बैक साइड पे आपने इसको इसके अंदर ये देखें, इस नट बोल्ट के अंदर फिक्स करने से पहले आपने इसकी तार जो है ना इसमें लगा लेनी है। मैं लगा के हाजिर होता हूँ आपके पास। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा बोर्ड इसके अंदर फिक्स हो चुका है और ये मैंने स्विच की तारें इसके अंदर लगा दी हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्विच की तारें, उसके बाद हमारी जो होती है ना, ये देखें, मैं रोशनी की तरफ आपकी तरफ ले आता हूँ, ये रोशनी में थोड़ा सा UPS कर लूँ। ये देखेंगे आपको नज़र आ रहा होगा सबसे ऊपर लिखा हुआ इन्वर्ट। इन्वर्ट जो होती है वो ट्रांसफार्मर के सबसे ऊपर वाले लूप से निकलती है। ये देखें, ये सबसे नीचे जो लूप होता है, ये देख रहे हैं, ये सबसे नीचे ये न्यूट्रल होती है, और जो सबसे ऊपर से निकल रहा होता है ना लूप, ये नीचे अंदर की तरफ गया होता है, ऊपर 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 ऊपर, ये देखें, यह सबसे ऊपर वाला सिंगल तार वाला जो लूप होता है ना, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी इन्वर्ट की तार है। ये आपने इन्वर्ट सबसे पहले पॉइंट में आपने इन्वर्ट की तार लगानी है, ये देख रहे हैं टर्मिनल आपको नज़र आ रहे होंगे, वो देखें, ये सबसे पहले में आपने इन्वर्ट की तार लगानी है। मैं आपके सामने अभी लगा के हाजिर होता हूँ। ये आप देख सकते हैं इन्वर्ट की तार हमने पहले वाले पॉइंट में लगा दी है, ये पहले वाले पॉइंट में। दूसरा आप लिखा हुआ है वो देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, फोकस कर दूँ, N220, ये सबसे ऊपर आपको देख रहे हैं, ये N220 मतलब कि नेगेटिव, जो बाहर से नेगेटिव आ रही है ना ठंडी तार, वो आपने लगानी है। आप नेगेटिव ये देखें, इनमें से ये देखें नेगेटिव हमारी वो साकड़ के साथ भी लगी हुई है, ये आप देख रखते हैं, और ये देखें ये नेगेटिव है आपको तार, वो देखें, ये जहाँ पे मेरे हाथ है, ये देखें साकड़ की इस साइड पर, साकड़ की इस साइड पर आप देख सकते हैं, साकड़ की इस साइड पर नेगेटिव लगी होती है। आपने ये नेगेटिव वाली तार जो है ना, ये देखें, ये ट्रांसफार्मर को नेगेटिव भी यहाँ से आप देख सकते हैं, ये नेगेटिव ट्रांसफार्मर का ये तार जा रही है और इसके साथ अटैच हुई है, और ये देखें ये तार भी इसके साथ अटैच हुई है, ये ऊपर से नीचे लूप डला हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये तार नेगेटिव वाली तार आपने दूसरे नंबर पर लगानी है। मैं अभी लगा के हाजिर होता हूँ आपके पास। ये आप देख सकते हैं हमारी नेगेटिव भी लगी है। उसके बाद आप गौर से देखें, यहाँ पर लिखा L220 मौसम का लाइट, जो हमारा इनपुट 220 आ रहा है ना वापडा से, जो हमें आएगा वो आपने तीसरे पॉइंट में लगानी है। तीसरा पॉइंट ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये जो बाहर से आ रही है, बाहर से मेन तार आ रही है रेड कलर की, ये फ्यूज़ में से होके, फ्यूज़ में से होके ये आगे, ये देखें ये तार जा रही है हमारी, ये नीचे से ये देखें, ये तार हमारी
ये जो हमारी तार है 220 वाली, ये जो बाहर से आ रही है, ये फ्यूज़ में से होके आ रही है, ये देखें इसमें से लगी हुई है, आप ये देख सकते हैं, ये देखें फ्यूज़ में से लगा के अब आपने तीसरे पॉइंट में ये लगानी है। तीसरे पॉइंट में मैं लगा के हाजिर होता हूँ आपके पास। ये देखें हमारी तीसरे नंबर पर तार लग चुकी है। अब चौथे नंबर पर ये देखें, नंबर चार पर लिखा UPS आउट, ये चौथे नंबर पर जो पॉइंट है ये UPS आउट का है। UPS आउट जो होती है वो हमेशा राइट हैंड, ये देखें राइट हैंड होती है, इसमें से करंट आउटपुट निकलता है। आप ये देख सकते हैं उसकी तार आपको इधर से देखनी पड़ेगी, ये देखें ये फ्यूज़ में से होती हुई, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें फ्यूज़ में से होती हुई, ये आपके सामने मैं कर देता हूँ कैमरा, फ्यूज़ में से होती हुई उसमें लगी हुई है, ये देखें साकड़ के राइट हैंड में लगी हुई है। और ये जो फ्यूज़ में से होके ये देखें आपके सामने मैं तार पकड़ूँ, ये हमारे हाथ में आ चुकी है तार, ये आप देख सकते हैं। ये आपने नंबर फोर पे लगाना है जहाँ पे UPS आउट लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैं लगा के हाजिर होता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों चौथी नंबर वाली आउटपुट। और ये पांचवा नंबर हमारा नेगेटिव का होता है। अगर आपने वोल्ट मीटर चलाना है, इसका वोल्ट मीटर पहले नहीं लगा हुआ था, ये मुझे लगता है ये ख़राब है जिस वजह से ये उतारा हुआ है, अगर तो आपने वोल्ट मीटर लगाना है तो फिर आपने ये देखें एक आउटपुट वाले में वोल्ट मीटर की लगा देनी है और एक नेगेटिव की इधर लगा देनी है। और अक्सर ट्रांसफार्मर की जो नेगेटिव होती है वो भी यहाँ पे लगाई होती है, ये याद रखिए किसी जगह पे ट्रांसफार्मर की नेगेटिव भी इधर लगाई होती है पांचवें नंबर पे, ठीक है। ये देखें UPS नेगेटिव लिखा हुआ है N5। और छठे नंबर पर जो है हमारी चार्जिंग की तार। अब चार्जिंग की तार जो होती है ट्रैकल कार्ड में, हमेशा आपने याद रखना है ट्रैकल कार्ड में, ये देखें ये पहले जो लगी हुई थी इसमें चार्जिंग की तार, ये लूप लगा हुआ था, ये ऊपर वाला, ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला लूप लगा हुआ था, ठीक है। और आप अब आपने ये जो नीचे जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ट्रैकल के लिए हमेशा नीचे वाला लूप लगाना है आपने, ये देखें ये नेगेटिव निकल रही है और उससे नीचे वाला पॉइंट है ये लूप निकल रहा है, आपने ये वाला नहीं लगाना, ठीक है। ये तो गांव वगैरह में अगर आप रहते हो तो फिर आपने ये वाला पॉइंट लगाना है, क्योंकि ये कम वोल्टेज पे भी चार्ज करेगा, ठीक है। अगर आपका गांव वगैरह शहर वगैरह में रहते हो तो फिर आपने ये वाला लूप लगाना है, ये देख रहे हैं आपने ये जो निकल रहा है, ये लूप जो है निकल रहा है नेगेटिव वन, पहले नेगेटिव निकल रही, उसके बाद ये लूप निकाला हुआ चार्जिंग के लिए और एक ये लूप निकाला हुआ चार्जिंग के लिए। आपने ये वाला जो यहाँ से उतार के ये वायर, ठीक है, और ये वाला लूप लगाना है आपने। मैं अभी आपके सामने लगा के हाजिर होता हूँ आपके सामने, आपको फिर दिखा भी दूंगा मैंने कौन सा लूप लगाया। ये आप देख सकते हैं ये लूप मैंने लगाया, ये देखें ये सबसे पहले न्यूट्रल आती है, उसके बाद जो उसके ऊपर निकलता है ये भी लूप होता है 160 वोल्ट का, ये 170 वोल्ट का और ये 780 का है, 180 का, ठीक है। ये मैंने 180 वोल्ट का लगाया, क्योंकि अगर शहर वगैरह में रहते हैं तो वहाँ से 180 के कम नहीं आते वोल्ट, अगर गांव वगैरह में रहते हैं तो गांव में अक्सर जो होते हैं 150 160 150 के करीब वोल्ट आते हैं। अब ये देखें ये वाली आपने चार्जिंग वाली लूप आपने नंबर सिक्स पे लगानी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा नंबर सिक्स, ये लिखा होगा ऊपर चार्जिंग लूप 140 तक आप देख सकते हैं, ये नंबर सिक्स पे मैं लगा के हाजिर होता हूँ आपके पास। ये आप देख सकते हैं हमारा ये वाला प्रोसीजर पूरा हो चुका है, ये देखें मैंने चार्जिंग की लगा दी है छठे नंबर पर। उसके बाद हमारी आ जाती है बैटरी की, ये देखें ये बैटरी आपको नज़र आ रहा है, बैटरी का ये माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे इस साइड पे लिखा हुआ है, ये देखें प्लस लिखा हुआ है। आपने बैटरी की प्लस वाली वायर जो होती है, ये देखें बैटरी की वायर से मेन वायर आ रही होती है उसके साथ लगी होती है, ये प्लस की वायर आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें एक मिनट मैं जूम कम कर लूँ, ये देखें ये प्लस वाली वायर इसके साथ लगी है, ये देखें बैटरी से जो बाहर से आ रही है, ये प्लस वाली वायर आपने पहले लगा लेनी है फिर उसके बाद नेगेटिव वाली लगा लेनी है, जो आपका दिल करे मैं दोनों तारे आपके पास लगा के हाजिर होता हूँ। नेगेटिव वाली जो होती है वो इस मॉड्यूल में से निकल रही होती है, ये जो मॉड्यूल है ये देखें इसमें से निकल के ये है नेगेटिव वाली तार ब्लैक, ठीक है, ये दोनों तारे लगा के हाजिर होता हूँ मैं आपके पास। ये आप देख सकते हैं मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव वाली साइड पर लगा दी और नेगेटिव नेगेटिव वाली पास साइड पे। उसके बाद आप ये जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ B1 B2 और ये मॉड्यूल वाली साइड पे भी ये देखें लिखा हुआ है B1 B2, ठीक है। आपने जो है ना B1 B1 वाले में लगा ला, B1 B2 B1 2 में लगा देना है, अगर इधर उधर भी लग जाए तो इसका कोई मसला नहीं, B1 B2 आपने लगानी है। मैं अभी लगा के आपके पास हाजिर होता हूँ, ये देखें ये वाले टर्मिनल जो दो है हमारे लिखा होता है सारा कुछ, आप देख सकते हैं यहाँ पे B1 B2 और यहाँ पे भी ये देखें लिखा हुआ B1 B2। उसके बाद जो हमारे दो टर्मिनल ये वाले हैं इसमें ये वो है ना फ़ैन की तारें लगती हैं, पहले मैं B1 B2 लगा के आपके पास हाजिर होता हूँ,
जो हमारी मॉड्यूल में से निकल देते हैं B1 B2। ठीक है, ये देखें B1 B2 मैंने लगा दी हैं। ठीक है, वह बाइसिंग बोल्ट इसे कहते हैं। फिर आपको होगा यार आप इंग्लिश में गलत बोलते हो, यार अनपढ़ सा बंदा हूँ, इंग्लिश इधर को इधर हो जाती है, माफ़ कर दिया करो, कमर में ना कहा करो बार बार कि यार वो हो जाता है, कोई मसला नहीं, जबान फिसल भी तो जाती है, इंसान की हूँ, इंसान ही हूँ, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है हमारी, अनपढ़ है, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको अच्छे तरीके से, अगर आपको समझ आ जाती है तो फिर छोड़ दिया करो इस बात को, आपको अगर समझ आ जाती है तो। क्या बोला, अब इसके बाद हमारी फ़ैन की तारें लगेंगी। और एक बात और, आपने इनको खींच खींच के चेक करते रहना, ये लूज़ नहीं होनी चाहिए, ये आपने खींच के ना तारें इसमें से देखते रहना साथ साथ, ये देखिए जैसे ये लगी है, ये आपने खींच के देखते रहना, कोई लूज़ तो नहीं है तार, लूज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बाहर निकल आती है तो फिर उसको अच्छे तरीके से लगाएं दोबारा। ठीक है, उसके बाद अब आपको फ़ैन की तारें सिंपल सी बात है, वैसे ही वो देखें आप नज़र आ रहा होगा वो प्लस माइनस लिखा हुआ, फ़ैन प्लस माइनस, आपने प्लस वाली साइड पर लगानी है और माइनस वाली साइड पर, फ़ैन की प्लस माइनस जो होती है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी फ़ैन की प्लस और माइनस, रेड प्लस और ब्लैक माइनस, मैं लगा के हाजिर होता हूँ आपके पास। ये आप देख सकते हैं हमारा फ़ैन की तारें भी लग चुकी हैं। अब आ जाते हैं, ये देखें इसके अंदर स्ट्रिप लेवल वाली नहीं लगी होती, बॉडी पुरानी है। ठीक है, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ये लगेगी, ये देखें सबसे ऊपर हमारी कॉमन है, वो आपको नज़र आ रही होगी, मैं आपको पास ला के दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखें सबसे ऊपर वाली कॉमन है हमारी, और उसके बाद पहली मेन है, UPS चार्जिंग फुल लो। ठीक है, अब जो पहले वाली स्ट्रिप थी उसमें क्या था कि ये उसमें डिफरेंट था थोड़ा सा इसमें से, उसमें ये था कि ये कॉमन के साथ ही मेन है, वो सब उल्टा है इसका। ठीक है, आपने स्ट्रिप में ऐसे ही करना है, ये आप स्ट्रिप आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें आपने जो है ना ये नेगेटिव लगानी है, और इसकी जो ऑपोजिट पहली वाली तार है ना, सबसे पहली वाली ऊपर वाली साइड पर, ये जहाँ पर मेरा हाथ है ऊपर वाली साइड पर, ठीक है, वो आपने ये जो ऊपर वाली तार है सबसे पहले वाली, ठीक है, ये आपने ऊपर मेन में देनी है, उल्ट करना है इसके, बिल्कुल बारकस उल्ट करना है। ये मैं अभी तार लगा के आपके पास हाजिर होता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट मैंने, ये देखे इस साइड पे मैंने उसकी नेगेटिव लगाई है एक साइड पे, और बिल्कुल ऑपोजिट ये देखे सबसे ऊपर ये मेन लगी है, उससे नीचे फिर जैसे UPS चार्जिंग फुल ट्रिप, ठीक है, सारी मैंने लगा के दिखा दी है। अब मैंने जैक भी उसके अंदर फिक्स कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपके सामने इसको 12 वोल्ट दे के चेक ऑन करके चेक करवाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखें UPS को मैंने 12 वोल्ट दिए हुए हैं ऑन, UPS की लाइट जल रही है, और आप ये देख सकते हैं इसकी आउटपुट भी निकल रही है, ये आप देख सकते हैं आउटपुट भी निकल रही है। अब हम इसकी चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं, चार्जिंग पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। और चार्जिंग लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, लोग एंड तक वीडियो नहीं देखते, फिर बाद में कहते हैं यार ये मसला आ रहा है। आपने चार्जिंग लगाने से पहले ये आपने एक चीज़ ये देखें, ये मेन मैंने लगा दी है, और ये UPS पे चला पहले जाएगा 5 सेकेंड बाद फुल पे, अब ये चार्जिंग पे जाएगा 5 सेकेंड बाद, ये चार्जिंग पे चला गया। अब एक बात मैंने कितनी दफ़ा उन भाइयों को कहा भी है सारों को, कि आपने इसकी चार्जिंग करने से पहले आपने सबसे पहले इसका बैटरी के ऊपर अम्पेयर सेटअप करने हैं। अम्पेयर सेटअप का वेरिएबल वो आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है पहले वाला अम्पेयर सेटअप। ठीक है, बैटरी के साथ अम्पेयर सेटअप किए बगैर आपने इसको नहीं छोड़ना, ऐसे नहीं कि कार्ड लगा लिया और आपने छोड़ दिया, आपने अम्पेयर सेटअप ज़रूर करना है बैटरी के साथ। बैटरी के अम्पेयर सेटअप आपने कितने रखने हैं ये आपको याद होना चाहिए, आपने बैटरी के अम्पेयर सेटअप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपने बैटरी के परसेंटेज के हिसाब से रखने हैं। कैसे रखने हैं, का कितने अम्पेयर की बैटरी है, अगर आपके पास 150 अम्पेयर की बैटरी है तो आपने उसका 10% निकाल लें या 8% निकाल लें, मतलब आपके पास 150 अम्पेयर की बैटरी है, आप 12 अम्पेयर 13 अम्पेयर DC वोल्ट मीटर आपके पास मल्टीमीटर DC होना चाहिए जिससे अम्पेयर सेटअप करते हैं बैटरी का। ठीक है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये DC वो एम्पेयर मीटर होता है। आपने 40 पे रख के इसको इसका सेटअप करना है चार्जिंग का। ठीक है, मेरी वीडियो है चैनल पे मेरे पे, आप देख सकते हैं, मैं फिर भी लिंक दे दूंगा उसका अपने डिस्क्रिप्शन में। और इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है भाई, हमें इंग्लिश नहीं आती, थोड़ा सा लफ्ज़ इधर उधर हो जाता है तो माफ़ कर दिया करो।
और ये आपने अम्पेयर सेटअप लाजमी करना है, ठीक है। अम्पेयर सेटअप के लिए आपको मैंने बता दिया, अम्पेयर सेटअप आपने बैटरी के ऊपर रखना है। बैटरी जितने अम्पेयर की होगी उस हिसाब से 10% देना है। मसलन कि अगर आपकी 180% है तो आपने 10-12-13 अम्पेयर डीसी 13 अम्पेयर ही देने हैं, 14 अम्पेयर ज़्यादा नहीं देने, ठीक है। इससे आपका ट्रांसफार्मर हीट नहीं होगा और आपकी चीज़ें भी बैटरी को भी जल्दी बैकअप अच्छा मिलेगा आपका बैटरी के वजह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। और चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो यार, कुछ नहीं जाता आपका। अल्लाह हाफिज़।